हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन कीमा और उसके साथ एक ट्रायंगल परोठा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ, क्या करता हूँ। एकदम एक क्लास चिकन कीमा बनाएंगे, भुना कीमा। उसके साथ हम बनाएंगे एक ट्रायंगल जैसा परोठा, सुपर टेस्टी। तो चलो शुरू करते हैं, तब जाके डायरेक्ट मिलते हैं किचन पे। किचन ऑलरेडी मैं किचन पे ही हूँ, तो मैंने मतलब शुरू करने के बाद भी मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक आदमी के लिए बनाऊंगा, मतलब आज मेरा सब सर सिर्फ अकेला है तो उनके लिए बनाऊंगा। तो एक ब्रेस्ट और एक सुप्रीम मेरे लिए काफ़ी है, उनके लिए हो जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आंटी फिर भी आकर मैंने डिस्टर्ब करा, बीच बीच ला कर डिबा रख रहा। सोचो कैसे रहता है इंसान। तो शुरू करेंगे हमारा काम। देखिए, इसी तरह दोनों हाथ में करिए। अगर आपको दोनों हाथ में करना नहीं आता, एक काम करिए, ऐसा दोनों चाकू ऐसा 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 जोड़ के करिए। अगर किसी भी दोनों चाकू को आप जोड़ के नहीं कर सकते, सिंगल सिंगल करिए ऐसा। मैं होने के बाद मिलता हूँ कीमा। देखिए हमारा इधर कीमा होके तैयार है। इतना ऐसा ही करना, ज़्यादा बड़ा बन नहीं, बस ये काफ़ी काफ़ी। ये आपको ऐसा लग रहा है ना, ऐसा है तो जब बनाएंगे ना ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, है ना। कोई टेंशन लेने का बात नहीं, कुछ सोचने का बात नहीं। अगर आपको कीमा आपसे नहीं हो रहा तो आप जब जहाँ से चिकन लाते हैं उसको बोलिए, कीमा करेगा, कीमा करके आपको दे देगा, है ना। तो टेंशन लेने का बात नहीं है, बस आप कर लीजिए, फिर मैं बाद में मिलता हूँ आपको। देखो गाइस, इधर प्याज का पेड़ आ गया है। क्यों ये नारायण प्याज का हम लोग कत्ल करें, जान लेंगे इसका। इससे अच्छा इसको लेकर थोड़ा गार्डन पे लगा देंगे, इसका पेड़ आ जाएगा, फिर दोबारा वो बच्चा पैदा करेगा, मतलब प्याज दोबारा देगा। इस साथ इसको साइड में कर देंगे, इसको नहीं काटेंगे, छोटे से नन्हे से हमारा बच्चा को काट लेंगे, छोटा प्याज को। तो बारीक बारीक काट लेंगे। ये मेरा तीन टमाटर लिया, तीन टमाटर नहीं बोल सकते, इसको सोना बोल सकते हैं। तीन सोना लिया, इसको मैं पेस्ट बना लूँगा, क्योंकि टमाटर सोने का भाव बेच रहा है। तो क्या करेंगे, इसको पेस्ट बना लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे, है ना। हरी मिर्ची मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा सर जो है ना उसको स्पाइसी पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगा, आप चाहे तो ये हरी मिर्ची डाल सकते हैं, ओके ना। गाइस, हमारा टमाटर काट लिया, थोड़ा जनरेटर चालू करके आता हूँ। मतलब मैं मिक्सी में थोड़ा पीस खाता हूँ, क्योंकि जनरेटर जैसा आवाज़ करता है ना, इसीलिए जब मैं मिक्सी में पीसूंगा ना तो वॉइस नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई तुम जनरेटर चालू कर दो, इससे अच्छा पीसने का बाद में बात करता हूँ, हाँ ठीक है। लाइन पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए। ब्रश मैंने पीस लिया, प्योरी कर लिया। हाँ, एक काम उसमें आप कर सकते हैं, देगी मिर्ची का आता ना ड्राई रेड चिली, जो देगी मिर्ची आता है कश्मीर चिली, तो उसको थोड़ा सा पानी में गर्म पानी में उसको करके रखिए। जब पीसते हैं ना उस टाइम दो पीस डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, दो पीस डाल दीजिए, कि पूरा आदमी उसको रेड रेड कर दिया, रेड कलर ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कलर मिलाया होगा, आपको दिखेगा। सो आपको ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो मिर्ची ज़्यादा डालते हैं ना सब्जी में वो आपको नहीं डालना पड़ेगा, जो मिर्ची पाउडर डालते हैं ना कलर के लिए वो नहीं डालना पड़ेगा। सो इसमें आप दो बस गर्म चिली गर्म पानी में डाल के रख दीजिए, उसको पीस दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कलर आपने डाला है ना। तब तो बाद में मिलता हूँ। देखो फ्रेंड्स, इधर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसको थोड़ा चालू करेंगे, चालू करने के बाद इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, ठीक है। इधर फ्रेंड्स, मैंने देखिए देसी घी यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल से बना सकते हैं, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल बना सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल रेगुलर ऑयल से बना सकते हैं। देसी घी में बनाने से क्या होता है, थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, निखर निखर के आता है। तो थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, बस बस मैं काफ़ी है। काफ़ी सारा वीडियो में देखे होंगे आप, ये मैं यूज़ करता हूँ ये चलाने के लिए, क्योंकि ये छोटा वाला है ना, छोटा वाला मुझे बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ छोटा वाला मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही यूज करता हूँ। काफ़ी वीडियो में देखा होगा, टूट गया ये, देखो टूट गया, लेकिन मैं छोड़ता नहीं है उसको, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। तो सो मेरे को लग रहा है ज़्यादा घी हो गया, अगर सब्जी में आ जाए तो मेरा सर है ना मेरा सब्जी निकाल देगा, इससे सर थोड़ा सा घी कम कर देंगे, नहीं तो क्या होगा ना, हमारा सर मेरा ही सब्जी निकाल देगा भाई। देखिए इतना घी काफ़ी है। फ्रेंड्स, इधर मैं डाला हूँ नॉर्मल जीरा, डाला हूँ खड़ा मसाला, डाला मतलब तेजपत्ता और इलायची और लवंग और दालचीनी डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप चाहें ना फ्रेंड्स, इसमें क्या बोलते हैं
हम नहीं डाल सकते है ना। चले कोई बात नहीं, थोड़ा आलू फ्लेवर करिए है ना। आप चाहे तो इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल के बना सकते हैं। मेरे को सर को थोड़ा ऑयल कम पसंद है, तो हेल्दी खाना खाता है, तो इसमें मैंने कम डाला है। प्याज क्यों हिल रहा है भाई, हिल रहा है क्यों? इसको ज़्यादा हिलने का पसंद है क्या? हिल तो देखिए हो गया। इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे, थोड़ा प्याज डाल दिया। इसको चलाऊंगा, इसको गोल्डन ब्राउन करूँगा है ना। गोल्डन ब्राउन करने से पता है सब्जी बहुत अच्छा लगता है, तो उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब सा है ना, इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गार्लिक डाल सकते हैं, क्योंकि गार्लिक का थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा रहेगा ना, लाजवाब लगेगा, लाजवाब मुँह में पानी आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मुँह में पानी आ रहा, क्योंकि थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर आएगा और भी बहुत अच्छा लगेगा है ना। तो मैं नहीं डाला, मैं डायरेक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगा। मेरा क्या, मैं कुछ भी बना लेता हूँ, कैसे भी बना लेता हूँ, लेकिन बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, टेस्ट लाजवाब होना चाहिए, खाते ही मुँह से निकलना चाहिए वाह क्या चीज़ है ना। तो ऐसे बनाना चाहिए एकदम, मतलब खाना जो है ना दिमाग से नहीं बनाने का, खाना दिल से बनाने का। आप जितना खाने में प्यार डालोगे, जितना आप खाने में जान डालोगे, जितना प्यार से बनाओगे, जितना मोहब्बत से बनाओगे खाना ना, उतना लाजवाब बने, उतना टेस्टी बने है ना। खाना बनाने के लिए पैशन होना चाहिए आपका, अगर पैशन है ना आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए खाने में दो तीन इम्पोर्टेंट है, एक कटिंग स्किल, एक बनाने का स्किल, एक समझने का स्किल है ना। आप जितना साल का एक्सपीरियंस हो खाने में, जितना बड़ा शेफ हो, अगर आपको खाने का समझ नहीं है और आपको एक खाने को कटिंग करने का सेंस नहीं है, एक मतलब प्रेजेंटेशन का सेंस नहीं है, तो फिर फायदा कुछ नहीं है ना। खाने का समझना बहुत ज़रूरी है, खाने को बनाने का पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बस खाली नाम का बड़ा शेफ होने से कोई मतलब नहीं है। बड़ा शेफ और छोटा शेफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, छोटा शेफ भी बड़ा शेफ को टक्कर दे सकता है अपने टैलेंट के अंदर है ना। तो ये चलो वो तो बात का बात है, लेकिन फिलहाल हम बनाते हैं है ना। कुकिंग में सबसे बड़ा चीज़ क्या है मालूम? एक होता है कटिंग, एक होता है टेक्निक, एक होता है टाइमिंग है ना। ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स खाना बनाने में। कौन सा चीज़ कितना टाइम में पकेगा, कौन सा चीज़ कितना टाइम में हो जाएगा, और हमें कितना टाइम पकाना है, उसको कितना टाइम पर बॉयल करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुकिंग में। तो टाइमिंग और टेक्निक, कौन सा टेक्निक से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। बीच आवाज़ कर रहा है, बीच में यहाँ टीम डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे होता है कि किचन कभी कभी गुस्सा ही बहुत आता है, मन करता है गर्म चलो शॉप पर फेंक दे, मैंने गर्म तो इसमें से मारने का मन करता है, लेकिन क्या करें कुछ भी नहीं कर सकते है ना। हर आदमी अलग अलग टाइप का रहता है, तो क्या करें, बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन मैं गर्म तरफ बात ऐसे गुस्सा में बोल, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम सब मजाक में बोल दें आप लोग। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कुकिंग में, टेक्निक कटिंग स्किल्स टाइमिंग। आपको अगर आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी है ना। इसे मैं कितना सारा ऑयल घी डाला था नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम घी है, उसके इसमें दिख भी नहीं रहा है कढ़ाई में घी है या नहीं है। तो इसी तरह कम ऑयल में कम मसाला में खाना बनाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए, जंक फूड ज़्यादा मत खाइए। अगर जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा बीमारी होगा, उतना ज़्यादा बॉडी में फैलते जाओगे, एक दिन फैल के फोड़ जाओगे। तो इससे अच्छा ऑयल फ्राई मत खाइए, मोटापा मत बढ़ाइए बॉडी में, नहीं तो आप खाना खाते जाएंगे और फैलते जाएंगे, खाना खाते जाएंगे और फैलते जाएंगे है ना। तो बॉडी को मत फैलाइए, खाने को फैलाइए, हर जगह आपको खाने को टेस्ट करिए, हर जगह आपको खिलाइए खाने को, अपना खाने को खिला कर टेस्ट कराइए कैसे क्या है, तो पब्लिक बताएगा है ना। खाने को हर जगह फैलाइए, फेमस कराइए, लेकिन आप खुद मत फैलिए, अगर आप खुद फैल जाओगे खाना तो फैलाइए। अभी हमारा प्याज हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी टाइम आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने का, पूरा खाने में हमेशा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला जाता है, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट है थोड़ा गार्लिक ज़्यादा जिंजर कम है ना, तो ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्ट लगता है। और ज़्यादा जिंजर डाल दो कड़वा होता है, और खाना से रखा है तो कड़ा लगा रहेगा, खाना तो नहीं खाएंगे कड़ा ही खाएंगे है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा जिंजर कम डाले, और ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका परफेक्ट बनेगा और अच्छा ही लगेगा है ना। इसमें हम बिल्कुल स्पाइस नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो मैडम है ना
तो मुझे बिल्कुल भी स्पाइस पसंद नहीं है, इसलिए हम इसमें चिली पाउडर नहीं डालेंगे। तो हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा डाल के इसको बनाएंगे। उसके बाद उनको थोड़ा निकाल देंगे, फिर चिली पाउडर डालेंगे, है ना। तो वो नहीं तो खाने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं, के लिए तो नहीं डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे एकदम थोड़ा सा, और उसमें डालेंगे हम थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा। हाँ हमेशा धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा कम डालेंगे। इंडियन खाने में ना जो अच्छा जीरा होता है हर चीज़ में जाता है, उसमें कोई नहीं डालता, वो तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मैं तेल में देखा ना पूरा खाने में बात करें तो पूरा चिल्ला रहे। तो इंडियन में हर खाने में जैसे मैं गर्म तेल में थोड़ा जीरा डालो ना, साइज साइज डाले नॉर्मल जीरा, वो डालने का थोड़ा हर चीज़ इंडियन खाने में जाएगा जाएगा 100%। इसीलिए जीरा डाला खा रहा है तो जीरा कम डालने का, जीरा पाउडर कम डालने का। तो मैं थोड़ा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा जीरा पाउडर डाला, हो गया। अब हम डालेंगे इसमें क्या, टमाटो प्यूरी। कैमरा कहाँ आगे चला गया भाई, थोड़ा पीछे आ जा भाई, इधर दिख रहा है ना। हाँ एक गोश्त के लिए दो टमाटर काफ़ी, ज़्यादा नहीं डालना। मैं इधर क्या करूँगा, दही नहीं डालूंगा। अगर आप चाहें ना दही भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा क्रिमिनल देगा, बाइंडिंग देगा, बहुत अच्छा रिचनेस देगा दही डालिए। मैं इसमें टमाटर मेरा खट्टा है तो इसीलिए मैं इसको दही नहीं यूज़ करूँगा, दही की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा रिचनेस देने के लिए, क्रिमिनेस देने के लिए। काजू का रोस्ट, काजू पेस्ट सब चीज़ है ना, और खाने में अगर जान आ जाते हैं काजू एकदम क्रीमीनेस, स्वीटनेस एकदम बैंडिंग देता है, बहुत अच्छा है। बेस मतलब रेडी कर लेता हूँ, काजू पेस्ट, काजू पेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं यूज़ कर लूँगा, देखिए थोड़ा सा लेकिन इसमें नहीं डाला मिर्ची पाउडर, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कलर इस पर डिफरेंट कलर लग रहा है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए नहीं डालेंगे। क्योंकि खाली पीली क्यों तो बात सुनाएंगे मेरे को, इस हिसाब से जो उनको पसंद है उसके हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि जो उनकी पसंद है उनका बना उसके हिसाब से बनाएंगे ना। उसके वो देखिए क्या उसको मतलब जो पसंद है ना उसके हिसाब से मेरे को पैसा देते हैं, तो इसीलिए मेरे को रखे हैं कि उनको जो पसंद है वो बनाने का आते हैं। खाली पीली अपना दिमाग लगाने का, दो बार सुनाएंगे दो बार खिलाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो पसंद है वही खिलाएंगे, उसका तो पैसा हमको मिलता है ना, तो उनको खुश रखने का। ऑलमोस्ट पूरा इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। खाने में क्या है कि भाई खाने में जैसा स्वाद के जैसा नमक बिना स्वाद अधूरा है। आप जितना भी अच्छा टेस्टी खाना बनाओ अगर उसमें नमक नहीं है तो खाने में जान नहीं है। तो ऐसा नमक नहीं हो तो स्वाद अधूरा हो जाएगा ना, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा ही धनिया के बिना सब्जी का फिनिशिंग, सब्जी सब्जी का क्या होता है, मेरे धनिया तो पूरा टेस्ट देता है, टेस्ट में सब अधूरा है। धनिया के बिना धनिया ही सब कुछ अधूरा है कुकिंग लाइफ में, धनिया के बिना सब्जी अधूरा है। तो डाल दिया, थोड़ा चिकन डालेंगे इसमें, और हम इसमें चिकन डाला तो कीमा कराया था ना, चिकन को इसमें डाल देंगे, है ना। इसमें अगर आप चाहें ना गरम मसाला, फ्रेश गरम मसाला बना सकते हैं। क्या डालना है, थोड़ा सा हाजरा, थोड़ा सा लवंग, इलायची पत्ता, पत्ता मतलब दालचीनी डाल के, और क्या डालेंगे इसमें डाल के उसको फ्रेश गरम मसाला बना सकते हो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर था, बहुत अच्छा खुशबू देता है, अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ है फ्रेश बना गया हर चीज़ वो अच्छा ही लगेगा। मैं तो सैलड में गर्म मसाला बना के रखता हूँ, मैं ज़्यादा गर्म मसाला बना के रखता हूँ, क्योंकि फ्रेश बनने की जरूरत नहीं है, वो मेरे काम करा जाएगा चल जाएगा। क्योंकि अभी फ्रेश बनाऊंगा काफ़ी भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, दूसरे अगर एडिटिंग करने में टाइम नहीं है, और टाइम भी 11:30 बज रहा है, तो खाना भी देना है ना मेरे को, इसलिए जो है गर्म मसाला उससे काम चला लेंगे, जो है उसी से बनाएंगे, उसी से टेस्ट लाइए। उसको बोलते हैं कलाकारी, उसको बोलते हैं शेफ, उसको बोलते हैं कुकिंग मास्टर, जो भी आपका मन लग रहा है कुकिंग मास्टर, शेफ, खाना बनाने वाला, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी है जितने मेरे को नहीं है मालूम, तो हो गया है ना। तो इसमें जो कम में ज़्यादा एक बात है ना, कम में ज़्यादा बनाने का, जितना है उतना में खुश रहने का, जितना है उतना में बनाने का टेस्ट लाने का, उसको बोलते हैं कलाकारी, उसको बोलते हैं टेपर। अगर हमारा हो गया तो देखो अगर आप बॉन को पकाएंगे ना, कोई भी बॉन की सब्जी, चिकन को, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन करी कुछ भी, और बॉन के साथ बना रहे तो मैक्सिमम बॉन को पकने में 10 से 15 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट में
15 मिनट से भी अब तो बॉन का तो पीसेस का साइज के हिसाब से चिकन में पकाया जाता है ना, ये बॉनलेस है चाहे तो आप जितना भी बड़ा बॉनलेस लेके आए, मैक्सिमम 7 से 10 मिनट अगर कीमा है 5 से 7 मिनट को 6 मिनट के अंदर कीमा पक जाएगा, और ज़्यादा बड़ा ब्रेस्ट है आपका तो कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है पकने में ब्रेस्ट का, ज़्यादा बड़ा तो 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, से ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ब्रेस्ट में हड्डियाँ नहीं रहता है ना, तो ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट हो गया, इसमें जब काले डाल दें इसको थोड़ा पकाएँ, काले डालने के बाद पकने के बाद पकने के बाद हमारा वो बड़ा निकाल देंगे, उसके बाद फिर सारे हम उनके लिए थोड़ा सा नीचे डालेंगे है ना। खाने के साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को नॉलेज है, तो मैं हर चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ, हर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी सीखें, मेरे को आप भी बनाए, मैं कोई बड़ा मॉडल से नहीं आया, कि मैं कोई होटल मैनेजमेंट नहीं कर बड़े बड़े शेफ के साथ काम किया, तो थोड़ा मैं उनसे ऐड लिया, आइडिया लिया, सीखा, इंस्पिरेशन ले जाने लगे, सब कुछ लेके सीख के बना रहा है, तो आपका आगे पेस्ट डाल देंगे, तो पहला डाल देंगे चाहे तो चाय डाल सकते हैं आपका सब्जी के अकॉर्डिंग है ना, तो तकरीबन 2 स्पून डाला, जो टेबल स्पून है ना 2 टेबल स्पून डाला ध्यान में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, अगर मेरा वीडियो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी मैं वीडियो अच्छा सा बनाते रहूँगा डालते रहूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप देखते रहिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो तब जाकर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं है ना, तो सर अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर करिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, अगर कोई बात नहीं, तो मैंने नया नया खोला है, मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है बोलना, वीडियो करना, एडिटिंग करना, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम भी मैंने नहीं मिलता, उससे हिसाब से मैं करता हूँ, तो आपको अगर कैसे क्या करना, वीडियो एडिटिंग करना, वॉइस कैसे देना, बैकग्राउंड में कैसे गाना लगाना, मैं बताओ मैं भी लगाऊंगा है ना, तो आप चलिए खाना पे ध्यान देते हैं, तो बातों बात सब बात में होते रहेगा, बातों बात बातें बात नहीं बातें, ये सब बातें बात में होते रहेगा, मैं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम है, तो इधर थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, हमेशा ध्यान रखिए खाने में गर्म पानी डालेंगे, इसका टेस्ट येलो है लेकिन इसका नहीं टेस्ट येलो है, लेकिन सब्जी का कलर येलो है लेकिन इसका टेस्ट जो है ना फ्रेंड्स सच बता रहा हूँ मैं लाजवाब है, अभी टेस्ट करके देखा मैंने, आप ज़रूर बनाइए टेस्ट करिए, अगर ये आपका रेसिपी फेल हो गया ना ये मेरा क्या होता है कमेंट में बताइए मेरे को, लेकिन ये मेरा गारंटी है 110% गारंटी है ये रेसिपी फेल नहीं मारेगा, बहुत लाजवाब रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी है ना, आप बनाइए खाइए कैसा लगता है मेरे को कमेंट बताइए, ये मेरा गारंटी है ये रेसिपी फेल नहीं मारेगा। और दूसरी बात खाने का जो ना कलर के ऊपर मत जाइए है ना, हर चीज़ खाने का नहीं मैं हर चीज़ की हर चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, कलर पे मत जाइए, जो कलर दिखने में अच्छा है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो सामान अच्छा रहेगा या वो खाना अच्छा रहेगा, वो खराब हो सकता है ना, जो कलर खराब है ज़रूरी नहीं है कि वो खाना खराब होगा कि वो सामान खराब होगा, हमेशा कोई भी चीज़ में खाने के बारे में नहीं कोई भी चीज़ में कलर पर मत जाइए, कलर इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता आपका सब्जी का टेस्ट कैसा है, मैटर करता आपका सब्जी कैसा है ना, कलर हर चीज़ में कलर मत जाइए, इम्पोर्टेंट नहीं है कि कलर ज़्यादा अच्छा है तो सामान अच्छा होगा, खराब कलर खराब है तो सामान खराब, ऐसा नहीं है कि जो सामान का कलर खराब है तो सामान हो सकता है अच्छा है, जो सामान का कलर अच्छा हो सकता है वो खराब सामान खराब है, हमेशा टेस्ट करें तो मालूम चले, ये हमारा हो गया थोड़ा, हमारा प्रिय मित्र धनिया को डाल के इसको फिनिश करेंगे, हाँ इसमें गर्म मसाला नहीं डाला, गर्म मसाला डालना थोड़ा सा, ऑलरेडी मैं इसमें खड़े गर्म मसाला डाला है तो गर्म मसाला का जरूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा स्मेल के लिए फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गर्म मसाला डाला, हमारा ऑलरेडी हो गया थोड़ा सा, हमारा मारन के लिए निकाल के फिर सर के लिए थोड़ा सिली पाउडर डाल के उसको हम फिनिशिंग करेंगे है ना, देखिए ये हो गया हमारा मैडम का, जब इसका अंदर हम चिली पाउडर डाल देंगे ना इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये देखने में बहुत बढ़िया लगेगा है ना, तो ये हो गया हम इसको धनिया डाल के निकालेंगे, इसमें धनिया डाल दिया हमारा, तो हमारा धनिया का उम्र ज़्यादा हो गया लग रहा है क्योंकि खराब पड़ा धनिया, तो उसका उम्र बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा केला कपड़ा में आप रख सकते हैं तो उसका उम्र ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, जिंदा रहेगा धनिया, ये तो बीच बीच मर जाएगा, ठीक है धनिया वाला इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया ना, तो क्या करेंगे हम भूल गया यार बताना क्या बताना था, चलो जो याद आएगा तो बता दूंगा, तो ये हमारा हो गया निकाल देंगे इसको, तो टेस्ट कर लेंगे,
इसलिए धनिया को कभी मारना नहीं, इसे मैं स्टील का डब्बा में रखता हूँ तो इसलिए धनिया खराब हो गया। बराबर है, उसको निकाल देंगे थोड़ा। अभी आ गया इस चिकन का ना, क्या कर रहे हैं ये चिकन जो है ना लेस स्पाइसी है, लेस मतलब जीरो स्पाइसी है, तो इसके नाम भी आप दे सकते हैं क्रीमी, लेस स्पाइस क्रीमी वाला चिकन है। इसके बाद इसका नाम दे सकते हैं क्रीमी बोना कीमा चिकन, है ना, क्योंकि ये लेस स्पाइसी है। आप चाहे बच्चे को दे सकते हैं, बड़े आदमी को, बूढ़े को दे सकते हैं, उम्र वाले आदमी को, अंकल लोग को दे सकते हैं, जो उसको पसंद नहीं है स्पाइसेस, है ना। ये रेसिपी बना दो, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बना, बहुत ही अच्छा बना, है ना। अच्छा क्रीम वाला सब्जी बन गई, ये बात नहीं मैं बोल गया था, अभी याद है तो मैं आपको बोल रहा। तो आप सोच रहे होंगे मेरा, हमने आप सोच रहे होंगे हमारा भाई कैसा है, कैसे बात करते हैं, क्या बोलता है, भूल जाता है, बुरे अच्छे तो सब कुछ बोल जाता हूँ। देखिए मैडम को निकल दिया, मैं थोड़ा बचा है, शांत करें, थोड़ा कलाकार ही करें। देखिए थोड़ा था रेड चिली, थोड़ा ब्लैक पेपर और कुछ नहीं, थोड़ा सा गर्म धनिया डालना है बस, यही इतना बाकी था हमारा। डाल दिए, देखिए इसके कलर चेंज हो गया, है ना। कलर हमारा चेंज हो गया है, सब्जी हमारा हो गया। मेरे ब्रेंड जब चपाती बनाएंगे तब मिलेंगे, है हो गया। देख लीजिए, देखा लेते हैं आपके ऊपर, ये देखिए कैसा, क्योंकि कैमरा में मेरा वीडियो ऐसे आ रहा है, मैं क्या करूं, लेकिन कलर अच्छा है, दिख रहा सामने से कैमरा में वीडियो ऐसे आ रहा है ना। बाय बाय फ्रेंड्स, रोटी में मिलते हैं। हमारा इधर चिकन हो गया, इतना प्यारा सा नन्ना सा, है ना।